हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज़, अभी तक मेरा हाथ बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, पता नहीं झटका सा आ गया था और ये हाथ यहाँ पे बहुत पेन हो रहा है इस जोड़ में, मतलब हाथ सीधा ही नहीं हो रहा है। और ये देखो टैनिंग, ये तो मैंने अभी देखी क्योंकि मैं टी शर्ट डालता हूँ ना और ट्रैवल करता हूँ, बाइक चलाता हूँ। तो ये देखो यहाँ से लेके पूरा नीचे तक हाथ कितना काला हो गया है और ऊपर तक गोरा है। देख लो गाइज़, मेहनत आप लोगों के लिए। दोनों हाथों का यही हाल है, ये देखो कितना अजीब लग रहा है। इसको नीचे ही करते हैं, अब ठीक लग रहा है। तो फिलहाल पट्टी बांधते हैं और फिर आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ये पूरे हाथ में नहीं, टाइट से करियो, टाइट से। ओए, कैमरे पे क्यों डाल दिया? वैसे आज हमारा प्लान था फैमिली के साथ में कहीं जाने का सुबह सुबह 6 बजे, बट हाथ की वजह से कैंसिल हो गया। मम्मी आई, मम्मी ने बोला तेरा हाथ ठीक है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चल लेंगे फिर भी। मम्मी बोली नहीं, जब तक ठीक नहीं होता तब तक नहीं जाएंगे। वाह बेटे वाह, मौज कर दी, कैमरा ही गिरा दिया। दिखाओ तो सही, रखा रखा था ये देखो, कपड़ों के ऊपर रखा हुआ था। तो अभी का सीन ऐसा है, अभी पहले तो खाना खाते हैं और उसके बाद चलते हैं मार्केट, कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं, कुछ ग्रोसरी का सामान लेना था, बिग बाजार चलते हैं। तो आज बनी आलू गोभी की सब्जी एंड रोटी और साथ में लस्सी। क्यों नहीं खा रहा रोटी? क्यों नहीं खा रहा तू रोटी? क्यों नहीं खा रहा? खाने दे मुझको, खाने दे, खाने दे मुझको, खाने दे। रोटी देखो हमको कैसे खिलानी पड़ती है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करके। तो गाइस मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अब देखना ओरियो की आंखें जल्दी बंद होंगी, धीरे धीरे बंद होंगी ओरियो की आंखें। वो आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली, बैठे बैठे आंखें बंद कर ली, बैठे बैठे आंखें बंद कर ली। ओए क्या है यार, ये कुत्ता है क्या? ये सोने दो, सोने दो, सोनी आ रही है उसको, सोने दो। तो अभी गाइस खाना पीना हो चुका है, फिलहाल अभी हम जा रहे हैं बिग बाजार, कुछ ग्रोसरी और थोड़े बहुत घर के सामान की शॉपिंग करनी थी। तो हम 2 दिन से प्लान कर रहे थे बट आज मौका मिला, अभी चलते हैं। तो काफ़ी लोग मुझसे शूज़ के बारे में पूछे थे कि आप शूज़ कहाँ से लेते हो, तो ये वाले फिलहाल मैंने अभी डाले हैं और इस तरह के मैंने और भी मंगवाए थे जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाई नहीं। फिर काफ़ी लोग बोलते हैं ना तुम शो ऑफ करते हो, बट मैं आपको अब बता रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, शू फैक्ट्री के नाम से है। मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर के मंगाए थे कि नाइकी वाले, तो अगर आपको लेना है तो आप भी ले सकते हो। मेरे पास तो बहुत टाइम से हैं, मेरे को बहुत पसंद है इस टाइप के शूज़ हाई नेक में। पापा जी को सेल्फी लेना बहुत पसंद है। और क्या बड़े हो, बैठो बड़े बड़े के इंस्टाग्राम पे कब से फोटो नहीं आई थी। बाय द वे सेम शूज मैंने पीयूष के लिए मंगाए थे, इसको चल गया पता कि हम जा रहे हैं और ये आपको मॉल नहीं ले जा सकते, ठीक है? कोई बात नहीं, इसीलिए साहिल घर ही रहेगा ओरियो के साथ। गाड़ी बहुत गर्म हो रही है अंदर से भाई, मैं भी अंदर गया ना, मैं जल गया अंदर जाते ही, बहुत गर्म हो रही है। बाहर से पानी मार दूंगा 2-3 बाल्टी। पानी से क्या होगा, ठंडी हो जाएगी। नहीं यार छाया में खड़ी करनी चाहिए, किसी अंदर बैठ के देखे, पर अंदर बैठ के देखे, जाके देखे अंदर। अरे रुक जाओ 2-3 मिनट रुक जाओ, एसी चला दिया मैंने। अंदर से गाड़ी इतनी गर्म हो रही है ना, लिटरली मैं जैसे ही अंदर गया ना इतनी गर्मी लगी, मैं एकदम से बाहर आ गया एसी चला के। आज ओरियो और साहिल रहेंगे घर पे क्योंकि ओरियो को बिग बाजार में अलाउ नहीं करेंगे ना। अरे हाँ मस्त ठंडी हो गई। तो बिग बाजार तो पहुंच गए, यहाँ से आपको जो लेना ले लो, सब कुछ मिलता है यहाँ, सब कुछ। तो मम्मी फर्स्ट टाइम आई है बिग बाजार, इसलिए मम्मी को पता नहीं, इसलिए बता रहा था। मम्मी को ये पसंद आ रहा है बट मम्मी ट्राई नहीं कर सकती बिकॉज साइड डाल के आई मम्मी। तो फिलहाल मम्मी तो अपनी शॉपिंग कर रही है वहाँ पे और हम इसको लेके डोल रहे हैं। हम अपनी शॉपिंग करें छोटी छोटी चीजें खरीदेंगे, सस्ती सस्ती छोटी छोटी कुरकुरे चिप्स खरीदेंगे। 5 रुपए का नहीं मिलता यार, यहाँ 50 रुपए वाले मिलते हैं। मम्मी को तो बहुत टाइम लग रहा है, इतना हम अपनी शॉपिंग कर लेते हैं, हम अपना अलग से ले आइए। ऐसी हरकत देनी, ऐसी हरकत देनी। इतने सारे हार्पिक क्यों ले रहे हो आप? हार्पिक मम्मी जी जूस लेना है क्या? सारे जूस है यहाँ पे, कौन सा लेना है, मिक्स लेना है? एक ही बस। कितने रखने है? 2 रख लूँ? 4 रखो। तो मैंने अपने सूप तो ले लिए, लेकिन हम फ्रूट्स नहीं लेंगे ना सब्जियाँ क्योंकि ये सारी ना फ्रोजन है, हम ताज़ा ताज़ा लेते हैं। तो अभी तक तो हमने कुछ इतना सिलेक्ट किया, कुछ छोटा मोटा सामान, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न वगैरह ले लिया। तो पीयूष का आज काम है इसको लेके घूमने का सिर्फ। गिर जाएगा भाई, ऐसे मत कर, गिर जाएगा। अरे ये तो बचपन में बहुत लिया हमने, इसका तो क्रेज होता था, क्रेज भाई। इसमें ना क्वालिटी अच्छी नहीं होती भाई। तो मेरे को तो ये चाहिए ना अंदर वाले, मेरे को ये छोटे चाहिए बाहर वाला। हो गया क्या आपका? हमारे वो कहाँ है, सामान कहाँ है हमारा? उसने छोड़ा था, मेरे को क्या पता कहाँ गया सामान, कहाँ गया हमारा, कहाँ गया? क्या चाहिए बता, दिलाओगे नहीं? क्या बता बता तू, चल तू आगे बता। ये चाहिए, ये है क्या, तू बच्चा है? हाँ। अब जी इसको ये चाहिए, तो बच्चों वाली हरकतें कर रहा है। आप ये
जो बोलेगा दिलाऊंगा। मैं वो कुछ भी नहीं दिला था ना। ले ले तू ले ले चल पक्का। मम्मी और पापा बाल्टी देख रहे हैं। बाल्टी दोबारा भर लो। दोबारा भर लो, बड़ी ले लो दोबारा भरने से। टूटी तो खोल नहीं आ रहा तो क्या। बाल्टी के लिए भी कंट्रोवर्सी हो रही है मम्मी पापा के बीच में कि छोटी लो बड़ी लो। भाई 5 बजने वाले हैं। कितना टाइम हो गया हमको यहाँ पे? 4 घंटे हो गए शायद। तो अभी हम दोबारा आए यहाँ पे मैगी मसाला लेने के लिए। इस तरह छोटी छोटी चीजें फिर बाद में आ जाती है कि वो भी लेना था, वो भी लेना था, वो भी लेना था। लेकिन हमने अब की बार ना मैगी नहीं लिया। आटा नूडल्स ढूंढ रहे थे, आटा नूडल्स हमको दिखे नहीं। अब की बार मैगी कैंसिल कर दी। पता नहीं ये कैसे मान गया बिना मैगी के। रख दे वहाँ, रख दे। नहीं नहीं रख दे यूसी, ऐसे नहीं। तो फाइनली बिल और हम जा रहे हैं अब नीचे गाड़ी तक। मम्मी कैसा एक्सपीरियंस था? क्या हुआ, क्या कह रहे हो? दर्द हो गई, ऊपर बैठने वाला भी नहीं है बिल्कुल कुछ। तो मॉल में बैठने वाला थोड़ी ना होता है, बैठने के लिए थोड़े जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं। तो शाम के 5:30 बज चुके हैं और अभी तक हम यही मॉल में ही थे। कुछ ज्यादा बड़ी शॉपिंग नहीं किया, थोड़े बहुत जो ग्रोसरी का सामान होता है वही। रसोई का सामान है सारा खाने पीने वाला ही है भी। हाँ खाने पीने का सामान है। पापा जी मस्त है, कह रहे 300 का, मैं बाहर से 80 का मिलता है। यार बहुत हंसी आ रही थी मुझे, बट चलो जो भी है अच्छा लगता है। सेल सेल सेल, हमने अपनी गाड़ी में दुकान लगा दी गाइस। तो अभी हम शॉपिंग करके तो आ गए हैं, महीने 2 महीने का सामान एक साथ ले आए। हरियाणा में दोनों पापा जी को पता सब कुछ कहाँ से किस तरह से मिलता है, यहाँ पे नहीं पता था ना। तो बिग बाजार जाके हम ले आए सारा सामान, लेकिन मम्मी जी थक गई खड़े खड़े। तो अभी फिलहाल निकलते हैं घर, और यो और साहिल वेट कर रहे होंगे हमारा। वैसे पापा जी का मन नहीं था यार सामान लेने का, बट फिर भी थोड़ा बहुत ले लिया। मैंने मेरी आइटम एक भी नहीं ली। पापा जी ने खुद का कुछ भी नहीं लिया। बाहर से लूंगा मैं तो। नहीं ले तो सकते ही थे, क्यों नहीं ले सकते? हम अर्न तो कर ही रहे हैं। अच्छा लेकिन फिर भी मम्मी ठोकी है किसी ने? ठोकी किसी ने? ठोकी ना कोई है पीछे? स्कूटी वाला है पक्का? कहाँ है दिखाइयो। तो अभी भी जस्ट हम घर पहुंचे हैं एंड ये कुछ फैमिली मेंबर्स मिलने के लिए आए। हाय। और हमारी खूब सारी ब्लेसिंग्स हैं कि अभी हमारे इंडिया में टॉप हैं और अभी ये इनके फॉलोअर्स वर्ल्ड में हो। तो गाइस अभी हम गाड़ी डाल रहे हैं घर के अंदर फर्स्ट टाइम, बिकॉज इसमें अभी सामान है। सो अगर बैक जाएगी तो पीछे डिग्गी में से सामान निकाल लेंगे सारा। राइट में देख के पास बस सीधा सीधा सीधा। ये क्या सामान लेके आया आप? ये लेने में हमने 4 घंटे लगाए। 4 घंटे अलग ही एक्सपीरियंस था यार वहाँ जाने का। हाँ, जो कि आपने कुछ लिया ही नहीं। हमारी समझ से बाहर। बड़ा पा ये ले ले। पहले प्राइस देख, देखा 100 रुपए, मैं 20 रुपए का लाऊंगा बाहर से। वाह ये हो रहा मस्ती। अरे मैंने ये सब मना कर रहे थे। ओलू और ये कहाँ है? ओलू तो मुझसे मिला ही नहीं। ओलू सौदा आ गए हैं। जो आज हम लाए थे ये है चाय। नो ब्रांड प्रमोशन किसी का भी। नो ब्रांड प्रमोशन गाइस, हमको देख के बिल्कुल बाय मत करना। मिर्च, चाट मसाला, गरम मसाला, ओट्स, ये हनी। अभी सारा सामान फ्रिज में डाल दो। तो ये मेरा माल है, मैं अपने पास रख लेता हूँ। ओट्स, सूप, पॉपकॉर्न वगैरह रात को खाने का महंगा एडिटिंग के बाद। तो फिलहाल डिनर करते हैं, आलू गोभी एंड रोटी दिन की तरह। मम्मी थक गई थी तो मम्मी ने सिर्फ रोटी बना दी, सब्जी सुबह वाली है। तो अभी अपना दूध आ गया है वही हल्दी वाला, अब से मैं हल्दी वाला दूध पीने लग गया हूँ। ठीक है मम्मी। हाँ ये बता यहाँ कैसा हो रहा है? हाथ में दर्द तो हो ही रहा है। हो रहा है अभी? हाँ। लगाओ मुँह हाँ मुँह लगा दो फिर पट्टी बांध। हाँ मुँह लगा पट्टी बांध दो। बड़े मेरे देख रहे क्या कर लिया। हे गाइस, तो अभी रात के बज रहे हैं 12:28। एडिटिंग वगैरह कंप्लीट सब कुछ हो चुका है, तो फिलहाल अब मैं सोऊंगा। बाकी आज का दिन तो ऐसे शॉपिंग में निकल गया, बट घर का सामान आ गया, अपना चावल आटा खत्म हो गया। और मम्मी पापा को भी घुमा लाए। मम्मी पापा इस तरह से यूजली मॉल में कभी शॉपिंग नहीं करती, फर्स्ट टाइम इस तरह से इतनी देर तक घूमे। मम्मी पैर में भी दर्द हो गया। फिलहाल तो बस एंड करूंगा। और मैंने एयरपॉड भी ली थी और भी काफ़ी चीज़ें मैं लेता हूँ अपने लिए, जो कि मैं नहीं दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने बोला जैसे कि शूज़ थे इतने सारे, मैंने शूज़ भी मंगाए थे अपने लिए, क्योंकि शूज़ का मेरे को शौक है। हालांकि मैंने अपने पैसों से लिया है, अपने मेहनत के पैसों से लिया है, बट फिर भी काफ़ी लोग बोलते हैं ना शो ऑफ करता है इसलिए दिखाता ही नहीं। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। आई होप को पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दाढ़ी बनाने वाला सर्द की दाढ़ी नहीं है इतने के लिए आए।